नेटवर्क। मैं इतना ही कहना चाहूँ कि जो कोविड है, जिसको आजकल लोग जो ज़्यादा जा रहे हैं वो कोविड नाम सुन के ही डर के मारे उनकी जान जा रही है। तो मेरा लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप कोविड कोरोना बोले पॉजिटिव आए तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आप डॉक्टर के डॉक्टर जो आपको प्रिस्क्रिप्शन दे रहे दवाई दे रहे वो टाइम पर लीजिए। 5 दिन का कोर्स रहता है, 5 या 7 दिन का। एक इतना ही सोचिए, जैसे डेंगू मलेरिया जो बीमारी रहती है वैसे ही कोविड का भी है, कोरोना है। खाली इतना ही है कि ये छूने से फैलता है, इसके लिए उनको क्वारंटाइन किया जाता है। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि लोग बिल्कुल भी ना डरे, टाइम पे दवाई ले, टाइम पे खाना खाए, जो विटामिन सी और जो विटामिन की गोलियां वो टाइम पे ले, तो आप 101% अच्छे हो सकते हैं। तो कोरोना बोले तो लोग डर जाते हैं, तो मेरा लोगों से यही है कि बिल्कुल ना डरिए। आप 14 दिन अपना प्रिकॉशन लीजिए, आप एकदम ठीक हो जाएंगे। बस इतना ही जानकारी। आज आम्ही इकडे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत आणि माजी नगरसेवक श्री शिवानंद शेट्टी साहेब, आमचे PCC मेंबर विजयलक्ष्मी शेट्टी, ब्लॉक अध्यक्ष वॉर्ड आमचे चंदन अधिकारी यांच्या सर्वांच्या सहाय्याने एक आरोग्य शिबिर राबवलेला आहे इकडे। तिथे आज रविवार आहे, तरीही लोकांनी उत्स्फूर्तपणे प्रतिसाद दिलेला आहे। कमीत कमी 150 लोकांनी इथे आपली टेस्टिंग केलेली आहे, 70 जणांनी स्वॅब टेस्टिंग केलेली आहे। तर अशा प्रकारे आज आमचा इथे कार्यक्रम, आम्ही तपासणीचा कार्यक्रम राबवलेला आहे। या पुढेही आम्ही लोकांकरिता असे तपासणीचे कार्यक्रम राबवणार आहोत। तसेच आमच्या सर्वांतर्फे सॅनिटायझेशन किंवा लोकांना जी मदत आम्ही करू शकू ती आम्ही आमच्या विभागामध्ये करीत आहोत। पुन्हा होम क्वारंटाईन जे लोक ज्यांना केलेलं आहे त्यांनाही आम्ही तसं मदत करत आहोत। हम स्क्रीन टेस्ट कर रहे हैं, स्क्रीन टेस्ट हमारा अब तक 70 डन हो चुके हैं पेशेंट, और सस्पेक्टेड जितने पेशेंट हम उनका स्वैब टेस्ट के साथ साथ हम उन्हें क्वारंटाइन की भी व्यवस्था दे रहे हैं यहाँ से, और जितने भी हैं हम उनका मेडिसिन वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ से। जिसको जो भी सिम्टम है उनको एडवाइस कर रहे हैं, उनको पेशेंट को चेक कर रहे हैं। बाकी हमारा जो लक्ष्य है जीरो COVID-19 का यहाँ पे, उसको हम यहाँ पे पूरा कर रहे हैं। हमारा कैंप है BGS के थ्रू है, ये इस कैंप को हमारा कंप्लीट करने का जो एरिया थ्रू है कि जहाँ पर भी है ये वहाँ जा के कैंप करके वहाँ पे जीरो, हमारा लक्ष्य यही है कि हमें जीरो COVID-19 का ये लक्ष्य को पूरा करना है। तो यहाँ पे हम जाके जितने सस्पेक्टेड है, जितने जो है उनको एडवाइस करना, उनको बताना कि क्या है, कैसे करना चाहिए, ये सब को करते हुए हम इस चीज़ को पूरा कर रहे हैं। बचने के लिए सिर्फ एक ही संदेश है, इसे डरना नहीं है, इसको डरने से कुछ होगा नहीं। इससे जो भी प्रिकॉशन है ये बहुत छोटी चीज़ है, बस हमें ये प्रिकॉशन रखना है कि मास्क लेना और हैंड वॉश करना और सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज़्यादा इसमें मैटर करता है। ये करने से ही इसको भगाया जा सकता है, बाकी इसे डरने से, टेंशन लेने से इससे कुछ नहीं होगा। ये जो अभी हम लोगों ने शिविर लगाया है ना, ये हम लोग घर घर जाके लोगों को बोल के यहाँ तक लेके आके उनका टेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से आपने देखा रहेगा उत्तर मुंबई में इसका जो बढ़ रहा है अभी, तो हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका ये कम हो। अभी जिस तरह से धारावी अगर आपने देखा रहेगा उस साइड में, तो अभी हम लोग का यही है कि मतलब लोगों को जागरूक करके यहाँ पर लेके आना है, उनको इसके बारे में करके उनका टेस्ट करके जल्दी से जल्दी उनको क्वारंटाइन करके उनको इससे मतलब मुक्ति दिलाना है। वैसे तो हमने तो मोस्टली पूरे गोराई का हमने सोच के रखा है। जैसे आज हमारा ये पहला टप्पा है, तो इसके आगे भी हम लोग आने वाले टाइम में करके लोगों को घर घर जाके उनको समझा के उनके बाद यहाँ पे लाके उनको टेस्ट करवा के
उसका जो भी रहेगा उनको दवा और वो सब करने के लिए हम लोग जागृत कर रहे हैं। बुराई के लोगों को क्या कहेंगे कि ये कैंप पाने के लिए किस तरह से संदेश देना चाहिए? देखिए, लोगों के अंदर जो डर है वो डर नहीं रहना चाहिए, लोगों को समझा के कि इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं। लोगों के मन में जो इस तरह का डर है कि ये कोरोना से ऐसा कुछ नहीं है, तो हम लोग वही लोगों को जाके घर घर वही समझा के कि हम लोग ने ऐसे जो कैंप रखा उसमें आप आइए, आपका जो टेस्टिंग किया जाएगा, टेस्टिंग के बाद उसका जो भी रिपोर्ट आएगा उसका मतलब कोई घबराने की चीज़ नहीं है।